ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक हैरान करने वाले फैसले में फांसी की सजा पाए आरोपी को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में फरियादी और दो अन्य गवाहों पर आपराधिक मामला चलाने का भी आदेश दे दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही इंस्पेक्टर संजीव चौकसे और विवेचना अधिकारी SNS सोलंकी के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये पूरा मामला एक नाबालिग लड़की के रेप और हत्या के केस से जुड़ा है, जिसमें आरोपी के खिलाफ जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। माननीय न्यायालय ने ये माना है कि जो साइंटिफिक एविडेंस, मेडिकल एविडेंस एज वेल एज DNA टेस्ट एविडेंस इज नॉट इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ये तीनों ही चिकित्सीय साक्ष, वैज्ञानिक साक्ष और ये DNA साक्ष अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है। इस आधार पर उन्होंने अभियोजन कहानी को सशंकित मानते हुए, डाउटफुल मानते हुए मुलजिम को बरी किया। बच्ची की माँ है, वो खासकर माँ के खिलाफ भी मुकदमा चलाने के आदेश दिए, तो ऐसा क्यों हुआ पुलिस के खिलाफ? पुलिस के खिलाफ ऐसा इसलिए हुआ है कि पुलिस ने ये जो कहानी बनाई है, ये जो एविडेंस क्रिएट की है, ये गलत और झूठी एविडेंस क्रिएट की है, जो गवाही से साफ समझ में आ जाता है कि इनमें से कोई गवाह न तो जैसा बताते हैं उस स्थिति में था, और ये सब बनावटी गवाही तैयार की गई है। तो पुलिस की विवेचना पर भी कुछ सवाल उठाए? पुलिस की विवेचना को खेदपूर्ण बताया है रिगार्डिंग दी फेयरनेस एंड दी इम्पार्शियलिटी, ये पुलिस ने अपनी विवेचना में नहीं रखा। 25 अक्टूबर 2015 का ये मामला है, जब विदिशा के सिविल लाइन इलाके में एक बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने रवि नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था और उस पर हत्या और रेप का मामला दर्ज किया था। ये मामला विदिशा सत्र न्यायालय में चला, जिसमें कोर्ट ने 7 मार्च 2020 को आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। स्थानीय कोर्ट के खिलाफ आरोपी रवि ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसकी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में पुलिस की कहानी को संदिग्ध माना और साथ ही साथ पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।